नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ HP Omen 15 लैपटॉप की। इस लैपटॉप की ऑनलाइन कीमत 80,000 रुपीज़ है अमेज़ॉन पे और 83,000 रुपीज़ आपको ये HP की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्टेड मिल जाएगा। ये लैपटॉप मैंने HP के मल्टी ब्रांड स्टोर से लोकली ख़रीदा है और इस लैपटॉप के साथ मुझे एक बंडल्ड माउस HP का, वो भी गेमिंग माउस, फ्री मिला है। और तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए इसके अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें लैपटॉप रखा हुआ मिल जाता है HP का और ये पैकिंग में इसमें कोई फॉर्म वगैरह इंक्लूडेड नहीं आई है, बस गत्ते का जो बॉक्स है वही है। और ये हमने लैपटॉप पन्ने में रैप लिया है, तो लैपटॉप निकाल लेते हैं। लैपटॉप को रख देते हैं एक बार साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में और हमें क्या मिलता है। तो बॉक्स में हमें यहाँ पे एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है, इसको निकाल लेते हैं। और इस चार्जिंग ब्रिक की पावर है 200 वॉट, तो ये 200 वॉट का चार्जिंग ब्रिक मिल जाता है हमें यहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों लैपटॉप की कैसा है। बॉक्स को रख देते हैं हम साइड में और ज़रा लैपटॉप पर नज़र मार लेते हैं। सो गाइस, लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसमें ड्यूल फैन सिस्टम है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है माना जाता है। गाइस इस लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं। गाइस इस लैपटॉप की लुक बहुत ही अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी, डेक की और कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी, कीबोर्ड में फ्लैक्स भी, इतना कीबोर्ड में तो फ्लैक्स है ही नहीं बिल्कुल भी। और देख लेते हैं टॉप लिड में कितना फ्लैक्स है। टॉप लिड में इसमें आपको थोड़ा बहुत फ्लैक्स देखने को मिल जाता है। तो वो दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये राइजन 5 4600H 6-कोर प्रोसेसर के साथ और ग्राफिक कार्ड NVIDIA 1660 Ti के साथ मिलता है। लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड सिंगल लाइट, सिंगल कलर लाइट का मिलता है। 80,000 में सिर्फ सिंगल कलर लाइट वाला बैकलिट कीबोर्ड आता है और इसमें 4-जोन RGB वाला नहीं आता। तो दोस्तों ये HP का गेमिंग माउस हमें इसके साथ फ्री मिला है और चलिए इसकी भी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। पेपर वर्क, कुछ पुस्तकें वगैरह हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं कभी भी, लेकिन माउस में क्या पढ़ना है यार। तो हम इसे माउस को निकाल लेते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो माउस निकलने में बहुत दिक्कत कर रहा है। ये है रहा हमारा माउस दोस्तों, बहुत ही अच्छा माउस है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे इसकी। और इसकी जो DPI वो 2500 है और इसमें प्लस माइनस और साइड बटन और मिडिल बटन, सो इसमें टोटल 7 प्रोग्रामेबल बटन हैं। और ये USB माउस है, इसका केबल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए इसे कनेक्ट करके देख लेते हैं कैसा फील होता है। ये RGB माउस है, इसका HP लोगो यहाँ पे RGB में इल्यूमिनेट करता है और इसके साइड में यहाँ पे दोनों साइड RGB में इल्यूमिनेशन है। तो माउस तो बहुत अच्छा है दोस्तों, माउस बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो चलिए हम इसमें GTA 5 गेम खेलकर देखते हैं कैसा लगता है। तो हम इसके बेंचमार्क्स वगैरह GTA 5 में गेम में खेल के देखते हैं और देखते हैं इसके कितने FPS आते हैं। ये 1660 Ti NVIDIA का GTX 1660 Ti है और देखते हैं इसके बेंचमार्क कैसे हैं और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फैन नॉइस वगैरह कैसा आता है।
तो जैसा आपने देखा वेरी हाई सेटिंग पर भी इसमें आप 60 FPS आराम से मिल रहे थे हमें। और एक बार सेटिंग फिर से देख लेते हैं, तो सेटिंग फुल स्क्रीन 1080p 60 हर्ट्स MSSA 4X NVIDIA TXSA ऑन एंड वेरी हाई सेटिंग, सभी में वेरी हाई सेटिंग सेट की हुई है मैंने। तो उसमें 60 FPS 45 तक डिप हुए, लेकिन 60 FPS नॉर्मली मिल रहे थे। तो अगर आप बड़ी स्क्रीन पर लगा कर खेलना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आराम से 60 FPS हर गेम में मोस्टली मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और तब तक के लिए बाय बाय।